सलाद बनाने के लिए एक लार्ज बोल में हम एक कप बॉयल्ड स्वीट कॉर्न लेंगे, मूंग स्प्राउट एक कप। अब एक क्यूकम्बर को हम इस तरीके से उसको स्लाइस करेंगे, एकदम पतले से पतला करके हम स्लाइस उसको करेंगे। अगर आपको लगता है कि आप इस तरीके से नहीं करना चाहते हैं तो आप सिंपली इसको ग्रेटेड करके भी डाल सकते हैं। बट ये क्या होता है, देखिए किस तरीके से इसको पतला हो गया है ये, तो आप जब सलाद पूरा बना लेंगे और वो थोड़ा हल्का और सॉफ्ट हो जाएगा तो खाने में भी बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं इस तरीके से आपको दिखा रही हूँ। अब एक गाजर को भी हम ऐसे ही स्लाइस कर लेंगे, पर मैं फिर से बोल रही हूँ अगर आपको ऐसे स्लाइस नहीं करना है तो आप इसको भी ग्रेटेड करके डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ पर थोड़े धनिया पत्ता डालूंगी, तो लहसुन के टुकड़े मैं यहाँ पर चॉप्ड करके डाल रही हूँ, फाइनली चॉप्ड करें। मेथी के पत्ते मैं डाल रही हूँ, फ्रेश मेथी के पत्ते आप यूज़ करें। और अनार मैं यहाँ पर करीब एक कप डाल रही हूँ, आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब रॉक सॉल्ट या सी सॉल्ट का यूज़ करें, पर अगर आपके पास नहीं है तो आप नॉर्मल सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक स्मॉल जार में मैं यहाँ पर हाफ लेमन स्क्वीज़ कर रही हूँ, उसका रस आप इसमें डालें। और उसके बाद यहाँ पर करीब 2 छोटे चम्मच मैं ऑलिव ऑयल डाल दूँगी। अब ये मिक्सचर आप थोड़ा ज़्यादा बना के भी घर पर रख सकते हैं करीब एक हफ्ते तक, और उसको आप ड्रेसिंग में हर दिन सलाद के साथ यूज़ कर सकते हैं। ऑलिव ऑयल से फैट जो होता है वो रिलीज़ होता है, तो आप जितना चाहे ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर दूसरा कोई भी ऑयल आप इसमें यूज़ ना करें। और इस मिक्सचर को आप बहुत अच्छे से शेक करें, आप जितनी अच्छे से उसको शेक करेंगे उसका जो टेक्स्चर है वो उतना ही क्रीमी हो जाएगा। अब इस पूरे मिक्सचर को आप सलाद के ऊपर डालें और उसके साथ हल्का सा ब्लैक पेपर आप डालें और उसको हल्के हाथ से या स्पून की मदद से आप उसको मिक्स कर लें। तो देखिए सलाद बनाना बहुत इजी है, आप चाहे तो इसमें चेरी टोमेटो बेबी कॉर्न आप ऐड कर सकते हैं, आप इसमें कुछ हर्ब्स लाइक ओरेगानो भी आप डाल सकते हैं, उससे उसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा आएगा। तो गाइस आप इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई करें, लंच या डिनर में आप इसको सर्व करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी आप मेरी इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों, और मेरे साथ फेसबुक एंड इंस्टाग्राम में भी जुड़े रहें।